चलिए बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नाइन्थ क्लास का आज हम लोग केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, और नाइन्थ वाले बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि कुछ सब्जेक्ट उनका शुरू किया जाए। तो सारे बच्चों के डिमांड पर, जैसे सौमिस है, शैलेंद्र है, उन्होंने हमको बार बार बोला कि आप नाइन्थ क्लास का वीडियो बनाइए। तो उसी लोग के डिमांड पर आज हम नाइन्थ क्लास का वीडियो लेकर आए हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, काफ़ी मज़ेदार होता है, और आप लोग केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। पिछला ही क्लास में हम इलेवेंथ का क्लास ले रहे थे, तो उसमें आप लोगों को बताए थे कि केमिस्ट्री में हम लोग मेन रूप से पढ़ाई करते हैं प्रॉपर्टीज, पीएसी के बारे में पढ़ाए थे इलेवेंथ में, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस। बच्चों आप लोग समझ रहे हैं केमिस्ट्री में किस बारे में पढ़ाई करते हैं, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज विल बी स्टडीड इन द केमिस्ट्री, ये चीज़ पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री का बहुत सारा ब्रांच है, नौ ब्रांच है जो आप लोग को जानना है। अभी फिलहाल ब्रांच आपकी नहीं हुई है, नाइन्थ है, अभी टेंथ है, उसके बाद ब्रांचिंग होती है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल में अभी हम लोग को नाइन्थ का केमिस्ट्री पढ़ना है। तो नाइन्थ का केमिस्ट्री वन ऑफ द इजिएस्ट है और सबसे आसान है, जो इजिली नंबर लाया जा सकता है जिस टॉपिक में, वो केमिस्ट्री है। आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स आता है, समझ रहे हैं। इसमें मेन रूप से आप लोग को भी पता होगा कि चार चैप्टर पढ़ना है, और टोटली थियोरेटिकल है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ना कोई इक्वेशन है, ना कुछ है, कोई इक्वेशन नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं, तो टोटली थियोरेटिकल है बच्चों। तो ये कहानी है नाइन्थ क्लास का बारे में केमिस्ट्री में, बच्चों ये समझ रहे होंगे। और टेंथ के केमिस्ट्री में है थोड़ा सा, थोड़ा अलग ढंग का है, नाइन्थ का केमिस्ट्री थोड़ा अलग ढंग का है, दोनों इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं कि इंटरेस्टिंग नहीं है, दोनों इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री, हम लोग नाइन्थ का इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, कौन कौन चैप्टर है, उसका नाम जान ले। ऐसे तेज बच्चा तो नाम जानते ही है, लेकिन जो नहीं जानते हो कम से कम सुन ले। तो नाम आपको चैप्टर का है जो काफ़ी आसान है, आप लोग से रिलेटेड है, जो दिन दुनिया में आप देखते हैं वही चैप्टर का नाम है। आप लोग देख रहे हैं नाम है, फर्स्ट है चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का ही नाम से आपको पता चल रहा है कि मैटर जो सराउंडिंग में है उसके बारे में कुछ नॉलेज आपको लेनी है, उससे रिलेटेड कुछ बातों को ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है इज मैटर अराउंड अस प्योर, कोई भी सब्सटेंस आपके अगल बगल में है वो प्योर है कि इम्प्योर है, अब आप पहचान सकेंगे नाइन्थ क्लास में व्हाट इज प्योर एंड व्हाट इज इम्प्योर। वो वाला हाल नहीं है कि प्योर घी, प्योर घी प्योर होता है, वैसा कुछ कहानी नहीं है। इस चैप्टर में पढ़ना है कि प्योर घी को हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस में रखते हैं, क्यों रखते हैं वो चैप्टर में पढ़ेंगे सेकेंड। ठीक है, उसके बाद थर्ड चैप्टर है बच्चों एटम्स एंड मॉलिकुल्स। एटम्स एंड मॉलिकुल्स आप लोग भली भांति मालूम होगा कि जॉन डाल्टन के अनुसार सबसे छोटा पार्टिकल जो एटम को माना जाता था, जो आज नहीं है, उसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फार्मूला के बारे में जानेंगे, वैलेंसी के बारे में जानेंगे, सिंबल के बारे में जानेंगे, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। बात आप लोग समझ रहे होंगे किस तरह का टॉपिक दिया गया आप लोग। चौथा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। कैसे उसका डिस्कवरी हुआ, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वगैरह, इसमें पढ़ना है आप लोगों को। तो ओवरऑल एटम का एक तरह से मान सकते हैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ना है, और एटम से रिलेटेड बातें यहाँ पर पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में बेसिक केमिस्ट्रीज को माना जा सकता है। ये बेसिक है, उसके बाद टेंथ थोड़ा बेसिक है, और इलेवेंथ ट्वेल्थ उसी का एडवांसमेंट होता है, बस नाइन्थ टेंथ का एडवांसमेंट इलेवेंथ और ट्वेल्थ होता है, आप लोगों को भली भांति पता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम आप लोग को सबको पता चल गया, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मैटर अराउंड जो पढ़ रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके बाद इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसके बाद पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और चौथा चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बच्चों आप लोग चैप्टर का नाम आप लोग को याद हो गया होगा, आप लोग रिमेंबर कर चुके होंगे, चैप्टर का नाम एटलीस्ट मालूम होना चाहिए, सिलेबस क्या है, चैप्टर में पढ़ना क्या है, ओवरव्यू आपको मालूम कुछ होना चाहिए। तो इतना हमको पढ़ना है, चार चैप्टर पढ़ने में जो बहुत ईजी ईजी चैप्टर है जिसको ईजिली किया जा सकता है, और आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। एक है मूल कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इलेवेंथ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, मूल कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल होंगे, वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में थोड़ा मोरा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट आप लोगों को पढ़ना है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दूसरी बात आप लोग करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, चाहे मैटर अराउंड अस उसको बोलते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग बोलते हैं, तो मैटर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही, जैसे चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ना है कौन से प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो स्टेट चेंज होता है उसके बारे में पढ़ना है, लैटेंट हीट के बारे में पढ़ना है, तो कुछ बातें ऐसा ऐसा टर्म पढ़ना है। लेकिन मैटर इन सराउंडिंग में जो भी रिलेटेड बात होगी आप
उस बात को जानते हैं, उस घटना को जानते हैं, उससे रिलेटेड पढ़ाई आपको इसमें करना है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं मैटर। चैप्टर का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा मैटर, तो मैटर सभी आदमी पढ़े होंगे। मैटर क्या होता है कि मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि नहीं? तो मैटर ऐसा जो सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं, समझे कि नहीं? और ये तो आप सब लोग जानते होंगे, मैटर के बारे में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैटर का डिवीजन एक तरह से मानेंगे तो किस प्रकार से मैटर का डिवीजन होगा? जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर एंड नॉन मैटर। लिविंग मैटर जो ग्रो हो सकता है उसको लिविंग मैटर बोलते हैं, जो स्पेस तो लेता है पर ग्रो नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग मैटर। और जो मैटर और नॉन मैटर ने जिसको स्मेल और टच नहीं किया जा सकता है मैटर को छोड़ करके, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन मैटर, जैसे लाइट और साउंड, तो ये सब नॉन मैटर है। तो मैटर का कितना भाग हुआ बच्चों? नॉर्मल बातें, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। मैटर का तीन डिवीजन है एक तरह से मानेंगे तो, मैटर, लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर एंड नॉन मैटर। क्या हो गया? लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर एंड नॉन मैटर, ये डिवीजन हुआ मैटर का। ठीक है, मैटर चैप्टर में मेन रूप से क्या पढ़ाई करना है ये हम आपको बताना चाहते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ केमिकल कम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, उसके अंदर क्या क्या आता है वो सब के बारे में पढ़ाई करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम लोग पढ़ाई करें, मेन रूप से भी हम लोग क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम इलेबोरेट से आपको पढ़ाएंगे, ये आप देख लेंगे। ये टॉपिक इंट्रोडक्शन इसलिए हम आपको लिख दिए कि आपको कोई परेशानी ना हो, और कहीं कहीं इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, कहीं कहीं डेफिनेशन पूछा जाता है, आप हूबहू लिख सकते हैं, चाहे आप ध्यान भी रख सकते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज दैट ब्रिंग्स अबाउट फिजिकल चेंजेस इन द नेचर ऑफ मैटर। तो ऐसा प्रॉपर्टी जो फिजिकल चेंज नेचर में ला सकता है उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, यहाँ से आएगा, जब यहाँ पे आएगा तो हम लोग जब प्रॉपर्टीज में आएंगे तो हम लोग फिर से उसको करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, दिस प्रॉपर्टी डू नॉट इन्फ्लुएंस द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर नेचर को इफेक्ट नहीं करता है, समझ रहे? मॉलिक्यूलर नेचर जो होता है, पहले में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो उसको इफेक्ट ये कौन नहीं करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं करता है। दूसरी बात है, दे कैन बी डिवाइडेड इंटू इंटेंसिव, यहाँ पर दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाई एनर्जी एंड स्टेट ऑफ मैटर। मतलब ये इन्फ्लुएंस हो भी सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो किससे? एनर्जी से और स्टेट ऑफ मैटर से, ये दो से इफेक्ट हो सकता है कौन? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन इफेक्ट हो सकता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट हो सकता है किससे? एनर्जी एंड स्टेट ऑफ मैटर से, समझ गए? दूसरी बात आता है, अब यहाँ पे मेन रूप से दे कैन बी डिवाइडेड इंटू इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। अब बताइए फिजिकल प्रॉपर्टी को कितना भाग में डिवाइड किया गया? इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। बात समझे? यहाँ से मेन टॉपिक आप लोग का शुरू होता है, जो जानकारी आप लोग को रखना चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का दो भाग है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है बच्चों, अब बताइए इंटेंसिव, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए इंटेंसिव एक्सटेंसिव कहते किसको है। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, इंटेंसिव, इंटेंसिव के बारे में देखें, इट इज ए बल्क प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। ये बल्क प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बताइए, 1 ग्राम वाटर या 100 ग्राम वाटर या 10 किलो वाटर, 100 किलो वाटर, क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। 1 ग्राम वाटर लीजिएगा वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा, अगर 10 kg वाटर लीजिएगा वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे चीज को जो समझ रहे हैं ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड न करे, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा होगा, इट इज अ बल्क प्रॉपर्टी, इज डॉ नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सभी आदमी को समझ में आ गया होगा, मैटर का जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है उसका मेन टॉपिक यहीं से शुरू होता है। आपको बता दे तो सबसे पहले हम लोग अगर रिविजन करें तो क्या पढ़े? मैटर जो होता है तीन भाग में, लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर एंड नॉन मैटर, ये सब बात आप लोग जानते हैं। वहां से आया कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो हम जाने कि फिजिकल चेंजेस इन द नेचर ऑफ मैटर कौन शो करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मॉलिकुलर नेचर ऑफ स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करता है, इन्फ्लुएंस नहीं करता है। इसको कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? एनर्जी और स्टेट ऑफ मैटर। ये तीन पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में इंपॉर्टेंट है, जो आप ध्यान रख सकते हैं 9th क्लास के लिए। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात आता है कि इंटेंस प्रॉपर्टी दो आधार पर हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, एक इंटेंसिव एंड दूसरा एक्सटेंसिव। तो हम लोग पहले इंटेंसिव पढ़ेंगे तब एक्सटेंसिव पढ़ेंगे, तब पता होना चाहिए बच्चों कि इंटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव में कौन आता है, एक्सटेंसिव में कौन आता है। तो बच्चों उसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ना अभी चाह रहे हैं और उसी के बारे में पढ़ाई करेंगे, समझ गए? तो इसमें क्या है बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या आएगा? इंटेंसिव एक बल्क प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव एक बल्क प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या होगा कि बहुत ज्यादा सब्सटेंस के लिए भी ये लागू होता है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड एकदम नहीं करता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने सर, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या चेंज हो जाता है?
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बदलने से नहीं, ये सब बदलने वाला नहीं है। तो उसी के बीच में हम लोग जो एग्जांपल पढ़ते रहेंगे और जानेंगे कौन इंटेंसिव में आता है कौन एक्सटेंसिव में आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में क्या अंतर है। इंटेंसिव का मतलब हुआ इट इज अ बल्क प्रॉपर्टी, यहाँ पर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे उसको क्या बोलते हैं एक्सटेंसिव। तो ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सभी बच्चों को याद हो गया होगा, जल्दी बताइए इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि प्रेशर, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन फर्स्ट समझाना चाहते हैं आप लोगों को कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में अंतर क्या होता है। जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो अपने आप डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे। किसी को दिक्कत, तो अभी हम लोग मेन रूप से क्या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, टॉपिक शुरू हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है, एक होता है इंटेंसिव एक होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, इट इज ए बल्क प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसी को हम बोलते हैं क्या बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अभी हम लोग फिलहाल आज के लेक्चर में, अगले दिन के लेक्चर में इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ते रहेंगे। बहुत सारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानेंगे, थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानेंगे, तब जाके एक्सटेंसिव आएगा, तब जाके फिजिकल प्रॉपर्टी समाप्त होगी। बात सबको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग को पढ़ाई करना है। तो एक ओवर भी मारिए जल्दी से, एक ओवर भी यही है कि चैप्टर पढ़ना है चार, मैक्सिमम पार्ट थियोरेटिकल है, समझना है, ज़्यादा आपको रटना नहीं है, ज़्यादा आपको मेमोराइज नहीं करना है, आपको लगभग बातें क्लास में ही याद हो जाएगी, आपको पढ़ने का एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं है, क्लास में ही आपको बात याद हो जाएगी, देख लीजिएगा, और इजिली यू कैन डू क्वेश्चन, मतलब कोई परेशानी आपको नहीं होगी, समझ रहे बात। ये चीज़ है, केमिस्ट्री बहुत ईजी है, ऐसे भी आप लोग जानते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट लेने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये बात है, तभी हम लोग क्या पढ़ाई बन, जल्दी बताइए, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, कितने प्रकार का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, दो प्रकार का एक तरह से बांटा गया, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। एक्सटेंसिव क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का हम बहुत सारा एग्जांपल पढ़ेंगे, माने उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन कौन आता है, कौन कौन प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है, उससे रिलेटेड हम कुछ बात डिटेल में थोड़ा सा करेंगे। बात समझ रहे हैं, ये चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हम पहला पढ़ेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कौन प्रॉपर्टीज के अंदर आता है बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे आता है, किसमें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ रहे हैं, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर आप आता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में आएगा, टेम्परेचर इंटेंसिव में आता है कि एक्सटेंसिव में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे चेक करना पड़ेगा। आपने मन से ही पूछिए आपको आंसर मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। आपसे कोई पूछे लेंथ 10 मीटर 20 मीटर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे निर्भर करता है कि नहीं करता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, वहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा एक्सटेंसिव, और जो डिपेंड नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे इंटेंसिव। तो यहाँ टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या बच्चों है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आता है टेम्परेचर के बारे में पढ़ाई करना, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, चैप्टर में टेम्परेचर का यूज है, तो आप टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा जानने के प्रयास करेंगे। तो टेम्परेचर का एक्चुअल में डिफिनेशन आता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हैं, फर्स्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या लिखा, इट इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या है बच्चों, टेम्परेचर का अगर असली डिफिनेशन देखेंगे आप तो आता है इट इज एवरेज ऑफ, इट इज, देख रहे हैं, इट इज एवरेज ऑफ, इट इज मेजर ऑफ एवरेज ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्या है बच्चों, लिखा हुआ है, देख रहे हैं, इट इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, लिखा हुआ है ना, इट इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कंटेंट इन अ सैंपल ऑफ मैटर। समझ रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बच्चों, टेम्परेचर। तो सभी आदमी को टेम्परेचर का डेफिनेशन याद होगा, कभी कभी पूछा जाता है, कोई आदमी पूछता है व्हाट इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर टेम्परेचर होता है, ऐसा नहीं बोलेंगे, आप किसी को बता देंगे कि ये डेफिनेशन तो आपको लगा कि नहीं पढ़ा लिखा है, कुछ जानकारी डेफिनेशन का रखा है, तो क्या बोलेंगे टेम्परेचर का, इट इज मेजर ऑफ, इट इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैटर बोल सकते हैं, ऑफ द सीधा समझ सकते हैं हम, देख रहे हैं, इट इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैटर भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसको भी बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। तो बात समझ रहे हैं टेम्परेचर के बारे में, तो सबसे पहले से ये टेम्परेचर कौन सा है, इंटेंसिव है एक्सटेंसिव, इंटेंसिव क्यों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात कि टेम्परेचर जो है उसका डेफिनेशन क्या है, पूछेगा कोई तो क्या बोलेंगे, इट इज एवरेज ऑफ, इट इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे, इट इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर, जो भी बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेकिन मेन रूप से आपको क्या बोलना है, इट इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैटर इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, इज नोन एज टेम्परेचर, इज नोन एज नॉट काइनेटिक एनर्जी, इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर समझ गए। अब आता है टेम्परेचर को सभी आदमी जानते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को किसमें एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, डिग्री सेल्सियस में, बचपन से आप कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस, कैसे निकल डिग्री और सेल्सियस, ठीक है।
और ऐसा यूनिट इसका क्या है बच्चों, केल्विन। सभी आदमी आपको पता है कि ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। तो बात आप लोग समझे होंगे, हम लोग अभी पढ़ाई किसका कर रहे हैं जल्दी से बता दीजिए, नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, मैटर का शुरुआत किए हैं, जिसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक को इंटेंसिव, दूसरे को एक्सटेंसिव। इंटेंसिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है, एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। इंटेंसिव का फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर के बारे में अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कर ही रहे हैं। और टेम्परेचर है क्या, इट इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इट इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, देखना ना, इट इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैटर इज नोन एज टेम्परेचर, इज नोन एज टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर का यूनिट क्या है बच्चों, डिग्री सेल्सियस। क्या यूनिट है बच्चों, डिग्री सेल्सियस। और ऐसा यूनिट क्या है इसका, केल्विन। केमिस्ट्री में ज्यादातर आप 11th में पढ़ेंगे तो उसका यूनिट क्या यूज होगा बच्चों, क्या यूज होगा बच्चों, केल्विन यूज होगा। क्या होगा, केल्विन। तो हम अभी पढ़ रहे थे इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, सब आदमी लिख लेंगे, बोर्ड पर हम लिख दिए थे कि आपको परेशानी ना हो, फिर आपको बोलना पड़े कुछ, इसीलिए हम लिख दिए थे, समझ रहे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, कोई सर पूछे या कुछ तो आप जवाब दे सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो इसको मिटाते हैं। चलिए तो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बच्चों, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे किसके बारे में, टेम्परेचर। क्या पढ़ रहे थे, टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, क्या पढ़ते हैं, डिग्री केल्विन, समझ रहे हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, ऐसे करके यूज होता है, बात समझ रहे हैं। तो टेम्परेचर का लेकिन ऐसा यूनिट कौन है, केल्विन। सबसे ज्यादा यूज कौन होगा बच्चों, केल्विन। और सेल्सियस भी यूज होता है, फारेनहाइट भी कभी कभी यूज होता है। आपको 9th क्लास में बहुत बच्चे तो ऐसे जानते होंगे कि सारे को कन्वर्ट करना एक दूसरे में, कम से कम कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए, समझ रहे बच्चों। तो आप लोग सब आदमी को पता है कि सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर्मूला जो आप कहते हैं, याद है, सी बाई फाइव इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9, पढ़े होंगे। ये रिलेशन है किस में, सेंटीग्रेड है फारेनहाइट। अगर सेंटीग्रेड देगा तो फारेनहाइट निकाल सकते हैं, फारेनहाइट देगा तो सेंटीग्रेड निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला में रखिए और क्या पाइए, सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट और फारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। ये फॉर्मूला है कन्वर्सन फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट, आप लोग बदले भी होंगे बचपन में किए होंगे। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, ज़्यादातर एक्सप्रेस डिग्री सेल्सियस में होता है, केमिस्ट्री में केल्विन में यूज होता है, कभी कभी फारेनहाइट में यूज होता है। तो ऐसे करके यूज होता है, तीनों यूनिट में आपस में कन्वर्सन आपको मालूम होना चाहिए कि तीनों यूनिट में कैसे जाएं। तो इसके लिए ये सेल्सियस टू फारेनहाइट कन्वर्सन है, किसका कन्वर्सन है बच्चों, सेल्सियस टू फारेनहाइट कन्वर्सन है, सी बाई फाइव इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9। और एक और है, जैसे आप डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री केल्विन प्लस 273, तो ये वाला भी फॉर्मूला पढ़े होंगे। अगर किसी भी चीज़ को सेल्सियस में बदलना है तो डिग्री केल्विन में कितना जोड़ दे, 273 जोड़ दे, कितना जोड़ दे बच्चों, 273 जोड़ दे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री केल्विन है ना, यहाँ पर गलत लिखा गया, यहाँ पर देख लीजिए, डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन। केल्विन में देख रहे हैं, केल्विन में जैसे आपको कोई बच्चा बोले कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर होता है, उसको किस में बदलिए, केल्विन में बदलिए, था ना, होता 25 डिग्री सेल्सियस, इसको बदलना है, समझ रहे हैं। फॉर्मूला को एक बार फिर से देंगे, कंफ्यूजन नहीं होंगे। डिग्री केल्विन है, पहले डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो हमको कमला लिए 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर को माना जाता है केमिस्ट्री में। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे, फॉर्मूला में रख देंगे, डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री केल्विन में बदलना है, तो कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस 25 प्लस 273, तो डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 298। मतलब आप लोग क्या समझ सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन में कोई अंतर नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड समझने का मतलब कितना हो गया, 298 केल्विन। 27 डिग्री हो जाएगा तब कितना हो जाएगा बच्चों, 300 केल्विन, कितना हो जाएगा, 27 डिग्री केल्विन। थोड़ा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या रखते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस रखते हैं 11th में, तो उसको बोलते हैं 300 केल्विन, कितना रखते हैं, 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस। तो बात आप लोग समझ गए, डिग्री केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कब ये बदलेंगे, केल्विन से सेल्सियस या सेल्सियस से केल्विन, ये कब फार्मूला लगाएंगे, सेल्सियस टू फारेनहाइट, फारेनहाइट टू सेल्सियस। तो ये दोनों फार्मूला से आप कन्वर्सन भी कर सकते हैं, समझ गए बच्चों। तो ये फर्स्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टी था, कौन सा, टेम्परेचर, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आया है, समझ गए।
क्या है टेम्परेचर? तो टेम्परेचर का असली डेफिनेशन है कि इट इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैटर, समझे कि नहीं, उसी को टेम्परेचर बोला जाता है। टेम्परेचर को कौन कौन चीज में एक्सप्रेस करते हैं? डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, डिग्री फारेनहाइट, ऐसे करके एक्सप्रेस हम लोग करते हैं। बार बार हम रिपीट करके आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको यहीं पर याद हो जाए, यहीं पर रिमेंबर हो जाए, एक बार वीडियो देखने के बाद आपके मन में आ जाए कि वो चीज़ आते आते आप भुलाए ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई किए, तो आज हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत किए हैं और बहुत सारे क्या मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ाई किए हैं। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की चर्चा हो रही है, इंटेंसिव में अभी फर्स्ट पर है इंटेंसिव प्रॉपर्टी टेम्परेचर, उसके बाद अगला दिन पढ़ेंगे प्रेशर, कलर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब बहुत सारा इंटेंसिव के अंदर आता है, वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते रहेंगे। तब एक्सटेंसिव आएगा, तब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में चलेंगे, बात समझ गए। तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो काफ़ी इजी चैप्टर है, थियोरेटिकल है, पढ़ते रहिए और एक बार वीडियो देखिए आराम से, एक बार में नहीं आता दो बार में देखिए याद हो जाएगा, अपने आप रिमेंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग पढ़ाई करेंगे, चलिए। तो नाइन्थ वाले बच्चों आप घर पर बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा वीडियो देख के इन्जॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, चलिए ठीक है बच्चों, बाय।